हेलो फ्रेंड्स, माही भांजी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी भतुआ के टेस्टी पराठे। तो फ्रेंड्स, सर्दियां हैं तो भतुआ और मेथी के पराठे तो घर में नॉर्मल बनते ही हैं, पर आज हम जिस तरह से बनाएंगे तो आप उसको ज़रूर देखना, हमारी वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि हमने ये भतुआ के पराठे कैसे बनाए हैं। तो चलते हैं, हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है यहाँ पे एक परात, और इसमें मैं डालूँगी एक कप आटा, ये गेहूँ का आटा है, और इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन डाला है, और थोड़ा सा ही मैं इसमें रवा डाल दूँगी, इससे कि पराठों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो और मैं इसमें डाल दूँगी मिर्ची, जो लाल वाली मोटी मोटी कुचल के ले ली है, या चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं, और मैंने जीरा ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया था, वो भी इसमें डाल दिया है, और ये मैंने एक टुकड़ा अदरक का जो ग्रेट कर लिया था, तो बस उसको भी मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैंने लिया है पहले थोड़ा सा नमक लिया है वाइट वाला, और थोड़ा सा नमक मैंने लिया है ब्लैक वाला, तो दोनों नमक डाल के इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये भुना जीरा पाउडर इसमें ऐड कर दिया है, और करीब 2 चम्मच मैंने शुद्ध देसी घी लिया है, तो आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। और बस अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसमें डालूंगी भतुआ। तो भतुआ को मैंने अच्छे से धो करके साफ करके कट करके रख लिया था, तो बस सारा भतुआ मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो भतुआ मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया। तो हरा धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं इसमें खूब सारा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। और अब इन सारी चीज़ों को पहले मैं सूखा ही ऐसे मिक्स करूँगी अच्छे से, जो भी इसमें पानी वगैरह थोड़ा बहुत होगा तो मिक्स हो जाएगा अच्छे से, वो बाद में मैं पानी डालूँगी। तो बस अब थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते हुए हम एक टाइट सा डो बना के तैयार करेंगे, क्योंकि ये बाद में थोड़ा गीला हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने टाइट सा डो बना लिया है, जिस तरह से पूड़ियों का डो लगा के तैयार करते हैं, तो हमने अच्छे से नीट कर लिया है इसको। और बस अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, और इसके बाद हम पराठा बनाएंगे। तो 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, और आटा आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो बस अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें से आटा निकालूंगी, लोई बनाऊंगी, तो छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने तो मीडियम ही लिया है, क्योंकि मुझे पराठा बहुत मोटा नहीं चाहिए। तो बस इस तरह से मैंने इसको सेट करके इसमें सूखा आटा हम डस्ट कर लेंगे, जिससे कि ये हमारे चकले में चिपके ना, और आसानी से इसको बेल लेंगी। तो आप देख सकते हैं पहले मैं थोड़ा सा बेल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बेलूँगी, और इसमें मैं लगाऊँगी ऑयल। तो यहाँ पे मैंने ऑयल सरसों का यूज किया है, क्योंकि भतुआ के पराठे या मेथी के पराठे में सरसों का ऑयल बहुत ही अच्छा और टेस्ट देता है, इसलिए मैं इसमें घी का यूज नहीं कर रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा आटा, ये सूखा आटा मैंने इसमें डाल दिया है, और बस इनको चारों तरफ से लेकर के मैं इस तरह से एक सा कर लूंगी, इस तरह से हम आलू का पराठा बनाते हैं भर के, बस उसी तरह से हम इसको बनाएंगे। और बस अब ये एक सा हो चुका है, और अब मैं इसमें फिर से सूखा आटा लगाऊंगी, और इसको बेल करके हम तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने पराठा अच्छे से बेल के तैयार कर लिया है, और हमें पतला ही पराठा चाहिए, मोटा पराठा नहीं चाहिए। तो देखिए मैंने पतला पराठा ही बनाया है, और बस अब यहाँ पे गैस पे मैंने रेगुलर वाला तवा लिया है आयरन का, बस उसी में ही पराठा हम सेक के तैयार करेंगे। बस उसमें मैंने पराठा डाल दिया है, और अब इसको पलट कर देखती हूँ, तो ये कलर अपने चेंज करने लगा है। अब मैं इसमें लगाऊंगी ऑयल, तो ऑयल को हम अच्छे से चारों तरफ से फैला देंगे। तो ये ऑयल हमारा लग चुका है, और हम पलट कर भी ऑयल लगाएंगे। तो देखिए दोनों तरफ ये अच्छे से सिक रहा है, पर हमने गैस की फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखा है, हमें कम गैस में सेंकना है। और बस इस तरह से हम इसको प्रेस करते हुए बहुत क्रिस्पी होने तक हम सेंक लेंगे। तो देखिए हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है,
और इसको सिकने में करीब हमें 3 मिनट लग चुके हैं। और अब हम ये पराठा बाहर निकाल लेती हूँ। ऐसे ही हम और भी पराठा सेंक के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पराठा बन के तैयार है। तो ये पराठा बहुत ही टेस्टी बना है, आप हमारी तरह एक बार बना के ज़रूर देखना, आपको बहुत पसंद आएंगे। और आप चटनी के साथ, सॉस के साथ या फिर बूंदी के रायता के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।